तो महाभारत तो सबने सुना हुआ होगा, है ना, महाभारत का स्टोरी। ठीक है, महाभारत जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथ है ना, सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो महाभारत में आप लोगों ने एक अभिमन्यु के बारे में सुना होगा, है ना, अभिमन्यु को जानते हैं सभी लोग। ठीक है, तो अभिमन्यु जब पैदा हुए तब उनको शिक्षा, मतलब जब वो गर्भ में थे, है ना, तभी उनको शिक्षा दे दी गई थी किसके लिए, कि चक्रव्यूह में आप कैसे प्रवेश करेंगे। ठीक है, प्रवेश करने की शिक्षा मिली थी उसको, ठीक है, चक्रव्यूह में, लेकिन उसको बाहर निकलने की शिक्षा नहीं दी गई थी। ठीक है, उसको बाहर निकलने का नहीं मिला था, तो इसलिए क्या है, युद्ध में पहुंचे, है ना, और वो क्या हुए, वीरगति प्राप्त किए। ठीक है, तो सब जो यहाँ पे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो आप लोगों को क्या बना रहे हैं, अभिमन्यु। ठीक है, वो आपको प्रवेश तो करवाते हैं चक्रव्यूह में, है ना, सब प्रवेश करवा दिए, लेकिन आपको यहाँ प्रवेश करवा देते हैं, यहां से निकलने का रास्ता कोई नहीं बताते, है ना। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर किसका रहेगा, तो आपको प्रवेश किसी ने करवा दिया है ना, हम आपको क्या करवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी के है। ठीक है, तो हम आपको बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे चक्रव्यूह से। ठीक है, फंसना नहीं है, यहां से क्या करना है, बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये अभिमन्यु हो गए, है ना। तो महाभारत में ही एक और क्या थे, अर्जुन थे इनके पिताजी। ठीक है, तो अर्जुन के मार्गदर्शक कौन थे, कृष्ण थे। कृष्ण ने उनको मार्गदर्शन किया था ना, भले टीचर दरोड़ रहे हो लेकिन युद्ध में तो विजय कृष्ण ने दिलवाया ना भाई, है ना। तो यहां पर हमारा उद्देश्य रहेगा कि कृष्ण जैसे हम आपको गाइड करें, किसको कब मारना है, कौन सा शस्त्र कब उठाना है ना, इस पे फोकस। ठीक है, तो ऐसा नहीं अभिमन्यु जैसे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, दलदल में नहीं घुसाएंगे, दलदल से बाहर निकालेंगे। ठीक है, चक्रव्यूह में फंस फंस के किसी को मरवाना नहीं। ठीक है, तो अपना ये बेसिक उद्देश्य रहेगा कि आप दलदल में जो फंस चुके हैं, है ना, जो चक्रव्यूह में आप फंसे हैं, यूपीएससी के जो साइकिल चलता है, प्री मेंस, फिर से तैयारी, फिर से फेल, फिर से तैयारी, उस साइकिल से आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो इस पे ही बेस्ड रहेगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया हमारा बेसिक उद्देश्य क्या है ना। ठीक है, तो कोचिंग के नाम में भी आप लोग को लिखा मिलेगा पाथ टू डेस्टिनेशन, है ना, मोक्ष के साथ क्या लगा है, पाथ टू डेस्टिनेशन, तो वही चक्रव्यूह से निकालने के लिए है वो पाथ टू डेस्टिनेशन। ठीक है ना,